22 जनवरी का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस दिन भक्तों के रामलला अपने मंदिर में विराजित होंगे। वहीं इस स्वर्णिम क्षण को देखने के लिए हर भारतीय उत्सुक है। इस दिन मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आने वाला है। प्रदेश के सभी मंदिरों में राम धुन बजाई जाएगी और भजन कीर्तन करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर जगह जगह प्रभात फेरी भी निकाली जाने वाली है और हर किसी को राम भक्ति में डूबा देखा जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को टेलीविजन के जरिए लाइव भी दिखाया जाने वाला है। मध्य प्रदेश के जितने मंदिर हैं वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और सभी इसके साक्षी बन सके इसके लिए मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी भी घोषित की जा सकती है। अब तक मध्य प्रदेश में 22 जनवरी की छुट्टी घोषित नहीं की गई है, लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों ने छुट्टी की मांग की है, जिसे देखते हुए छुट्टी घोषित की जा सकती है। 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है, हर राम भक्त इस स्वर्णिम पल का साक्षी बन सके इसके लिए बिजली आपूर्ति को लेकर जो है दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी शहरों में विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिष्ठा वाले दिन किसी भी तरह से बिजली व्यवस्था ठप नहीं होनी चाहिए, सभी इलाकों में बिजली उपलब्ध रहना चाहिए। अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर एक देशवासी के मन में उत्साह बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और किए जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सरकारी छुट्टी घोषित कर सकते हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश में 22 जनवरी की सरकारी छुट्टी घोषित की जा सकती है। फिलहाल इस बारे में किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। यह था अब तक का अपडेट। ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।